नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवर्नेश पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं दक्षिण मुखी या दक्षिण दिशा के इस सीरीज में यह बताने जा रहा हूं कि अगर वास्तु से दोष मुक्त दक्षिण दिशा का मकान भी है तो वह काफी भाग्यशाली होता है, फलदायक होता है। यह किसी भी दिशा के लिए अगर वास्तु से दोष उत्पन्न हो जाता है, भले ही वह उत्तरमुखी हो, पूर्व मुखी हो या पश्चिम मुखी हो, व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि व्यक्ति अगर उसमें निवास करता है तो कहीं न कहीं उसे हानि पहुंचती है, उसका जीवन डिस्टर्ब चलता है, संकट में रहता है। उसी तरह अगर हम दक्षिण मुखी मकान में भी वास्तु से दोष है तो वह सबके लिए हानिप्रद हो सकता है, लेकिन अगर दक्षिण मुखी मकान वास्तु से दोष मुक्त है या काफी जो व्यक्ति उसमें रहेगा उसके लिए भाग्यशाली हो सकता है। इस चीज को समझे कि वास्तु से दोष होता क्या है। सबसे पहली बात है, वास्तु जो है एक विज्ञान है जिसमें पांच तत्व का समावेश है। पांचों तत्व किसी प्रकार से डिस्टर्बेंस हो जाता है तो आप समझिए वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। अर्थात जल का तत्व अग्नि में चला गया या अग्नि का तत्व जल में चला गया तो वह व्यक्ति उस मकान में रहेगा तो वह वास्तु दोष के कारण उसे हर हमेशा समस्या और संकट का सामना करना पड़ेगा। उसी प्रकार दक्षिण मुखी मकान में भी है, अगर उसमें वास्तु से दोष है तो वह निश्चित उसको डिस्टर्ब करेगा। कोई भी व्यक्ति रहे, किसी राशि के रहे, किसी ग्रह का रहे तो वह डिस्टर्ब ही रहेगा। इसमें राशि और ग्रह तो दूसरी पहलू है। पहली बात यह है कि वहां पर अगर वास्तु से दोष है तो वह आपके लिए सही नहीं है, लेकिन हम आज जो विश्लेषण करने जा रहे हैं, वास्तु से अगर दोष मुक्त मकान है और वह भले ही दक्षिण मुखी मकान है तो काफी आपके लिए फलदायक हो सकता है। अब इस चीज को समझें कि यह वास्तु से दोष होता क्या है। दक्षिण मुखी मकान 135 डिग्री से लेकर के 225 डिग्री का क्षेत्र कहलाता है, यह दक्षिण का साइड कहलाता है, दक्षिण का दिशा कहलाता है। इस दिशा में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं आना चाहिए, क्योंकि सबसे पहली बात है कि यह अग्नि तत्व से प्रभावित रहता है। यहाँ का तत्व अग्नि है, अगर जब यहाँ का तत्व अग्नि है तो अग्नि तत्व को अगर हम बैलेंस रखते हैं और बाकी दूसरे क्षेत्र में भी जहाँ जल है, वायु है या आकाश तत्व है, सब अपने अपने क्षेत्र में सुरक्षित है, व्यवस्थित है, संतुलित है तो यह वास्तु से अनुकूल है। इसमें दक्षिण मुखी मकान भी अगर है तो वह फलदायक होगा। तो सबसे पहले कि हम प्लॉट का चयन करते हैं, प्लॉट जो है ऐसा हो जिसमें कि जल तत्व नहीं आ पाए, अर्थात पांचों तत्व उसमें संतुलित हो, सभी दिशाएं सभी जो तत्व है अपने आप में मकान बनाते हैं तो व्यवस्थित रहे, ये चीज को देखना। तो आयताकार या वर्गाकार कोई भी प्लॉट लेते हैं जो दक्षिण मुखी है वह सर्वश्रेष्ठ है। दूसरी बात है, उस प्लॉट में कोई भी भाग चाहे अग्नि कोण का क्षेत्र हो या नैऋत्य कोण का क्षेत्र हो बढ़ा नहीं होना चाहिए, या वहां पर कोई टी पॉइंट नहीं आए, ये चीज को देखना आवश्यक है। दूसरा, वहां की जो जलवायु है या वहां के आस पड़ोस की जो सिचुएशन है वह भी उस प्लॉट के अनुकूल हो, अर्थात किसी प्रकार का कोई कब्रिस्तान नहीं हो, मंदिर नहीं हो, गड्ढा नहीं हो, कुआं नहीं हो, नदी नहीं हो जो दक्षिण क्षेत्र में, तो निश्चित वो प्लॉट आपके लिए शुभ है। और ढाल उसका जो होना चाहिए दक्षिण से आपको उत्तर की ओर होना चाहिए, तो ये आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। दूसरा है, अब हम भवन निर्माण की बात करने जा रहे हैं जो संतुलित वास्तु से हो, वास्तु से दोष मुक्त हो। तो सबसे पहले दरवाजा को लेते हैं। दरवाजा आपका ब्रह्म क्षेत्र में है, अर्थात चौथे भाग में है। तीसरे से चौथे भाग में भी अगर लेते हैं, पद में लेते हैं, अर्थात दक्षिण क्षेत्र को पूरे 9 भाग में बांट करके 3 भाग को छोड़ दें और तीसरे चौथे भाग में बनाते हैं,
चौथे भाग से ही आपका आवागमन हो तो यह आपके लिए बहुत अच्छा है। वहां का कलर की व्यवस्था रखना है कि जल तत्व उसमें नहीं आए, अर्थात नीला काला रंग किसी प्रकार का नहीं आए, तो यह आपके लिए उपयुक्त है। बाकी सारी व्यवस्थाएं, किचन को किचन के स्थान में रखते हैं, अर्थात किचन अग्नि तत्व से संबंधित है और अग्नि के क्षेत्र में किचन है तो आपके लिए अच्छा है। अर्थ के क्षेत्र में जो है, पृथ्वी के क्षेत्र में आपका शयन कक्ष है तो आपको अर्थ के क्षेत्र में शयन कक्ष इसलिए आवश्यक है क्योंकि मुखिया में स्थिरता होनी चाहिए, उसकी कौशल में जो है कौशलता होनी चाहिए, उसके स्किल में सारे चीज ऐसी मौजूदगी होनी चाहिए कि पूरा घर का खर्च उठा सके, जीवन में सफल हो सके और उसकी बात को सब मान सके। अब आगे जो देखें कि पूजन स्थल आपको ईशान कोण में रखना है, अर्थात जल तत्व में रखना है, पवित्र क्षेत्र में रखना है, तो इसे आप ईशान कोण में रखें और आपका बैठक या कहें कि डाइनिंग कहिए, लिविंग कहिए, यह आप पश्चिम में भी रख सकते हैं और वायव कोण में भी रख सकते हैं, गेस्ट रूम भी वहां रख सकते हैं, पूर्व के दिशा में भी आप जो है लिविंग रूम कर सकते हैं, क्योंकि सोशल में आपको अगर पूरा जो है डेवलप होना है, सोशल पकड़ आपकी अच्छी हो, लोगों में मान मर्यादा प्रतिष्ठा हो, तो पूर्व के क्षेत्र में आप लिविंग एरिया रख सकते हैं, यह आपके लिए काफी अच्छा फलदायक होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि वास्तु के आधार से अगर दोष मुक्त मकान में हम दक्षिण मुखी मकान में रहते हैं तो यह काफी भाग्यशाली होता है, फलदायक होता है, तरक्की देने वाला होता है, क्योंकि यहाँ निरंतर व्यापार भी आपका डेवलप करेगा, विकास करेगा और आपका जो है सो नौकरी इत्यादि में भी आपकी पदोन्नति होगी। तो कोई भी क्षेत्र अगर वास्तु से दोष मुक्त है तो यह निश्चित है कि यह आपको फलदायक हो सकता है, आपके लिए भाग्यशाली हो सकता है। यह वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं कि आप छोटे से इस वीडियो के आधार से भी अपने आप को व्यवस्थित करके वास्तु से अपना घर दक्षिण मुखी बना करके और जीवन में सब सुख प्राप्त कर सकते हैं। जो विशेष रूप से है कि दक्षिण मुखी भाग्यशाली होता है, यह इसलिए होता है कि यह मंगल के क्षेत्र का है, अग्नि के क्षेत्र का है, इसमें हर हमेशा जो है ऊर्जा बना हुआ रहता है और कोई भी ऊर्जावान व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने में, हर हमेशा साहस जुटाने में, हर हमेशा कामयाब होता है, हर हमेशा ले सकता है और जीवन के पथ पर वो आगे बढ़ सकता है, निरंतर विकास कर सकता है। तो इस तरह वास्तु की व्यवस्था के आधार पर दोष मुक्त दक्षिण मुखी मकान जो वास्तु से दोष मुक्त है वो काफ़ी फलदायक हो सकता है और होता है। तो इस तरह से समझें कि यह वीडियो आपके लिए लाभदायक है, आप इसे अपने जीवन में अपना करके काफी लाभ प्राप्त कर सकते हैं जी। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।